कर देंगे, बहुत बड़ा गया कम डीएस है, वो बेचारा कोशिश में हार गया, बर्बाद हो गया, और उसने बहुत कोशिश की दूसरा कोच लेने की, लेकिन वो कर नहीं पाया। आखिर ऐसे सिचुएशन हो गया कि एक दिन होटल में मिले, दुश्मनी है तो, लेकिन डॉक्टर दुश्मनी नहीं रखता, कॉम्पिटिशन रखता है लेकिन दुश्मनी नहीं रखता। तो उस दिन वो होटल में मिले तो बेचारा डॉक्टर तो डरता नहीं ना, क्यों डरे, तो ऐसे मिलने गया तो कैसा है ये, अच्छा है। फिर जब उसकी हालत समझी तो डॉक्टर ने अपने ही कॉम्पिटिटर को हेल्प किया वैसे ही, कि भैया तू टीका रहेगा तभी तो मैं खेल पाऊंगा, समझ में। तो कॉम्पिटिटर भी जरूरी होता है, अगर आपको ये समझ में आया तो कॉम्पिटिशन नहीं खेल खत्म, सामने वाला चाहिए ना, तो हमेशा याद रखना कॉम्पिटिटर को भी अप्रिशिएट करो, अप्रिशिएट करो। आई शैल नॉट मेक फॉल्स क्लेम, मैं ऐसी कोई बात नहीं करूंगा जो बड़ा चढ़ा के, यू नो, या तो झूठ तो पक्का नहीं बोलूंगा लेकिन बड़ा चढ़ा के भी बात करना, जैसे डॉक्टर के कभी नहीं सुनोगे आप ये बोलेंगे कि ये बस ये अकेला बहुत हो गया, क्या डॉक्टर माँ हमको किसी और की जरूरत नहीं है, उसको भी वो बोलता है कि ये आपके लिए अच्छा है, सिर्फ यही अच्छा है ऐसे नहीं बोलते, समझ में। इसीलिए पहले से उन्होंने बोला ये अच्छा है, और इसकी वजह से और भी अच्छे लोग जैसे हमारा स्पुलिना हो गया, लोनी, इन सबको आने का मौका मिला, वरना अगर यही अच्छा होता तो बाकी सब छोटे छोटे होते, आज ऐसा नहीं है, पूरी सेना खड़ी है, यारडोमा भी उतना ही है इम्पोर्टेंट जितना स्पुलिना है जितना लोनी है, समझ में आया। तो ये और बातें भी जब करो नेटवर्क के साथ, जब आप मार्केट में भी जाओ, ये माना बहुत इम्पोर्टेंट है, वरना कभी कभी हमारी बातें लिमिट क्रॉस कर लेती है, और सामने हमको लगता है सामने वाले को नहीं समझ में आ रहा, लेकिन बड़ा चढ़ा के ये भी बात आदमी को समझ में आती है, पता नहीं जरूरत है, कोई भी आदमी पहचान लगता है कि ये पगले जैसा बात कर रहा है, हकीकत की बात ही नहीं कर रहा। ओके, एंड आई शैल नॉट इंटॉक्सिकेट माई सेल्फ। ओके, एक बूंद बियर का टेस्ट क्या होता है, एल्कोहल का क्या टेस्ट होता है, ये आदमी को मालूम नहीं, डॉक्टर उन्होंने कभी देखा ही, कभी ट्राई भी नहीं किया। वो बोलते कि जिस वक्त जिस चीज से तुम्हारे को अपनी आइडेंटिटी ही भूल जाओ, आप कौन हो यही अगर खत्म हो जाए तो वहीं से आदमी का पतन शुरू। इसीलिए ना वो आज की डेट में भी डॉक्टर लिम्स या जिन बड़े कंपनी के, इतने बड़े कंपनी के फाउंडर फाउंडर है, कुछ नहीं, वो तो अभी भी इतने ही ग्राउंडेड है। अभी भी जब एयरपोर्ट से उतरते हैं कभी कभी वो ऐसे प्लास्टिक बैग होती ना छोटी सी अपनी थैली थैली में जो उतरते हैं, और एकदम ऐसे सामने वाले को पिछले की लगता है कौन आदमी है, थैली में उतरते मीटिंग को जाना है ना, ठीक है। फिर जो उधर का पीएचसी होता है उसको बड़ा दया आता है, अच्छा डॉक्टर लिमा रहे तो कुछ हेल्प करने के लिए आता है, लेकिन आदमी थैली नहीं क्या है, अभी मीटिंग को जाना है, ऐसे तो क्या करें इस आदमी के लिए, बोलते एक्सक्यूज मी वहां पर रिपोर्टर बैठे हुए हैं, तो आपके लिए ये शर्ट लेके आया है, ये पैंट लेके आया है, ये बेल्ट लेके आया, जूते लेके आए, सॉक्स लेके आए, आप ये पहन लो, थोड़ा उनसे बात कर लो। फिर आदमी बोलता हाँ चलो ठीक है, फिर जाएगा बाथरूम में, वहीं पे पहनेगा पीनेगा, फिर आएगा, और फिर उसको वहां जाए, फिर जाते वक्त ये सब छोड़ के वहां से अपनी थैली लेके वापस निकल जाते आदमी। तो वो ना किसी चीज का घमंड, मैं अभी पीछे उनके ऑफिस के बाहर बैठा था, इतना तो उनका ऑफिस हो गया, अकेला आदमी बैठा हुआ है, मतलब सोच लो चाहे तो कितना बड़ा आदमी है, इतने बड़े ऑफिस में अकेला बैठा हुआ, लेकिन दरवाजा खुला, कोई भी अंदर आता है कोई भी चाय पी के जाता है उसके साथ, कोई रूल नहीं, कोई रेगुलेट, बाहर जो बैठा है रिसेप्शनिस्ट ही नहीं है, कोई भी आता है ऐसा लगता है कि जो इंक्वायरी बॉक्स में बैठा हुआ है वही डॉक्टर लेनी है डीएसए में, हाँ कुछ चाहिए इन्फॉर्मेशन, और किसी ने उनको बेसिक इन्फॉर्मेशन बोला वही भी चालू हो जाता आधा घंटा, जब जाते कि अभी इतना बड़ा एम्प्लॉय संभाल रहे, और वहां पे उनके बाहर एक ड्राइवर बैठा था, तो मैं उसके साथ मिलकर खाना खा रहा था, तो मतलब मैं एक्चुअली उनका पर्सनल ड्राइवर हूँ, अच्छा अच्छा कौन सी ऐसे पूछा कौन सी गाड़ी चल रही है, उनका जेट होता था, और वो बाहर पीछे बैठा हुआ है पायलट का, ओ पायलट था वो, मतलब यहाँ भी बैठे हो नहीं, बाई चांस बोले यहाँ से यहाँ उठना है तो वहां पर रेडी रहने को बोला है, तो हम लोग ऐसे बैठे रहते बाहर खाना पीना खाते बोले, फिर काम क्या रहता, मतलब नहीं हम लोग आते हैं सुबह बैठते इधर, अगर ये बोले उठना है उठेंगे या नहीं उठना तो वैसे घर पे चले जाएंगे, हम लोग पूरा दिन इतनी सेवा करते वो लोग, तो इतने हम बोले होते इनके साथ वक्त ही मिला तो भी बड़ी बात है,
आज वो आदमी हमारे साथ है, हमारा फाउंडर है, हमारा गाइड है। इसीलिए इन्होंने जो ये शून्य हमें इंट्रोड्यूस करवाया वापस, क्योंकि ये भारत की संस्कृति है। शून्य ध्यान मतलब एक्चुअली ध्यान की सही मायने में प्रैक्टिस, ध्यान मतलब अपने खुद के बारे में अनुभव करना, कौन है हम। क्योंकि जब हमको यही नहीं पता कि हम क्या है, क्या हम शरीर है, क्योंकि शरीर हर पल बदल रहा है बचपन से लेकर आज तक, तो ये शरीर तो हम हो ही नहीं सकते। क्या ये सांसे हम है, नहीं, क्योंकि सांसे बार बार चेंज होती है, बदलती रहती है। हो क्या ये मन है, मन भी हम नहीं, क्योंकि वो भी 10 बार 50 बार बदलता है। तो है क्या हम, उसका एहसास करवाने का प्रैक्टिस ये है, क्योंकि जिसके पास ये आ गया एहसास कि वो है कौन, वो कभी अपने आप जो अपने लोगों के साथ कभी झगड़ा नहीं करता, तो और साथ में मिलकर रहता है। और ये छह बेसिकली वही परिवार है। ओके, तो ये प्रैक्टिस आप लोग में से कितने लोग करते हो, शून्य की प्रैक्टिस करे हो, जो नहीं करते उनके लिए अभी हम आज शुरू करेंगे। इसके एक्चुअली 3 ही स्टेप है, लेकिन इसको हम 4 स्टेप में बताते हैं। 3 स्टेप क्या है, पहले हम क्या करते हैं कि शरीर जो है, शरीर और हमारा मन, ओके, इनको मिलाना है, इसको योग बोलते हैं। तो शरीर और मन को मिलाने के लिए इसके बीच में एक जन आता है जिसे बोलते हैं सांसे, तो सहारा लेना पड़ता है जो बीच वाले का, तो सांसों का सहारा लेना पड़ता है। तो शरीर को हमारी जो सांसें चल रही है ये वैसे दिखती नहीं है ना, आप देख देख के सांसें लेते हो, आदमी देख देख के कदम नहीं ले पा रहा, सांस को लेता ही नहीं, जैसे सांसें चल रही है हॉस्पिटल में जाओ फाइल लेके मिलते कि नहीं, कितने लोग मिलते हैं, सब सांसों से ही परेशान है। ये सांसें जो चल रही है अंदर जाती है बाहर जाती है, कोई वैल्यू नहीं किसी को, जब तक आदमी की वो वक्त नहीं आता तब समझ में आता है ये एक सांस भी बहुत हो। जब ये आया था कोविड, सांसों की असली कीमत तब पता चली, राइट, कि ये जब अपने अंदर का ऑक्सीजन अगर वो 70-80% भी लेके आए, 60% भी लेके आए, तो पूरी दुनिया कायनात की जरूरत पड़ती है बचा लो। ये इतना इम्पोर्टेंट है सांसें, ये सांसों का और हमारे शरीर का एक संबंध है। जैसे शरीर काम करेगा ये उतनी सांसें घेरी चलेगी, करेक्ट, जब हम दौड़ेंगे तो सांसें कैसी जाती है, डीप होती है। तो पहले मेरी नजर अगर सांसों पे डाल रहे हैं तो मुझे शरीर का एक्सरसाइज करना पड़ेगा। ओके, तो ये स्टेप 1 हम लोग क्या करते हैं फिर उसके लिए एकदम सिंपल एक्सरसाइज। अब डॉक्टर लीन ने क्या किया है, जो पतंजलि के अष्टांग योग है ना उसी को सिंपल कर दिया, बहुत सिंपल कर दिया, क्योंकि अभी हमारी उम्र भी नहीं है, टाइम भी नहीं है, और हमारे पास वक्त भी नहीं है कि हम 2 घंटे का योगासन करते बैठे, राइट, और हम बिजी हो गए, डॉक्टर के पास भी नहीं है, उसके पास मिलती है 10 मिनट में पूरा एक्सरसाइज भी करना है, उनको अपनी सेहत भी मेंटेन करनी है, नेक्स्ट फ्लाइट पकड़ के जाना भी है। एक्चुअली सबकी लाइफ ऐसी है, कोई भी फ्री नहीं है, सबसे कम अगर चीज हम बची है हमारे पास है वक्त, और जितने कम वक्त में हम ज्यादा से ज्यादा काम कर सकते हैं वो इम्पोर्टेंट है। इसीलिए फर्स्ट स्टेप हम लोग बॉडी को प्रिपेयर करते हैं, और बॉडी को प्रिपेयर करने के लिए इस बॉडी को अगर डिसिप्लिन दिया तो ये डिसिप्लिन बॉडी बहुत खूबसूरत दिखती है, बहुत खूबसूरत दिखती है, और आप इस बॉडी से जो करवाना चाहते हो करवा सकते हैं, इस बॉडी के मालिक आप हो। ओके, इसमें चलने वाली सांसों के मालिक आप हो, दोनों के अंदर डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। लेकिन सांसें दिखती नहीं है, समझ में नहीं आती है, इसीलिए उसको हमको घेरा करना पड़ता है। लेकिन मैं दौड़ने नहीं जा सकता अभी, ओके, दौड़ने के लिए मुझे ऐसे दौड़ना पड़ेगा, लेकिन दौड़ने नहीं जा सकता तो क्या मैं एक जगह पे खड़ा रहकर दौड़ने वाली वो वाली सेम स्टाइल कर सकता हूँ, कर सकता हूँ। तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे खड़े रहते हैं और फिर ऐसे करके थोड़ा सा वॉक करके पैरों को, जैसे ये इसकी इतनी जरूरत है, दिन भर तो चलते रहते हैं, ये करते हैं, इसको लॉक कर देते हैं, ये लॉक करने से भी इसकी हार्ड होता है और ये एक्सरसाइज हो जाती है। ये आपको पता नहीं, जिस चीज को आप हार्ड कर देते हो वो वैसे भी पतली होने वाली है, सिर्फ ये एक्सरसाइज भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि इतना इजी नहीं है। आप अगर सोचो कि मैं ऐसे खड़ा रहूं, इतना इजी नहीं, पूरी एनर्जी ले लेती है सिर्फ ऐसा खड़ा रहना। ओके, तो ये इतनी सिंपल एक्सरसाइज है, लेकिन ये उतनी ही पावरफुल है जितनी आप वजन उठाते हो, तो ये इतनी एक्सरसाइज है। लेकिन अभी ये अगर ऐसे करोगे तो आप 2 मिनट भी नहीं रुक पाओगे, आप बोलोगे नहीं ये वाला ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा झुकाते हैं मेरे हाथों को ऐसे करके स्विंग करते हैं। ओके, ये हम लोग मिनिमम 100 टाइम्स करते हैं। ये जैसे करेंगे तो अभी मेरा बॉडी मूवमेंट हो रहा है, बॉडी मूवमेंट होने से क्या होती है, सांसें घेरी चलने शुरू हो जाएगी। जब बॉडी की जरूरत पड़ी थी तो सांसें घेरी होने लगी तो मुझे सांसें दिखी, वो स्टेप 1। सांसें दिखी
दूसरे स्टेप में मैं क्या करूंगा, जैसे सांसों को पकड़ने के लिए जैसे रुई का एक बॉल होता है वैसा लूंगा, और सांसें जब अंदर जाएगी तो मैं हाथ ऊपर उठाऊंगा, क्योंकि मेरे को सांसों को और मुझे देखना है और प्रूफ चाहिए, तो मैं देखूंगा कि सांस अंदर जा रही है। ओके, अब मुझे दिख भी रहा है अंदर बाहर, ओके अंदर बाहर, ये दो दूसरा मतलब मेरी ध्यान जो था जो भटका था मैंने सांसों पे ले गया है और मैंने प्रूफ किया कि मुझे दिख रहा है सांस अंदर जा रही है बाहर आ रही है। अभी ध्यान भटकते भटकते मैं लेके तो आ गया, अभी तीसरा स्टेप, तीसरा स्टेप या तो हम बैठे करते या खड़ा लेके करते, उसको हम बोलते शून्य ध्यान। फिर हम ऐसे खड़े रहते अगर जगह नहीं रहेगी और खड़ा रहिए, फिर आंखों को एक जगह फिक्स करते हुए अभी सांसें चल रही है अंदर और बाहर, इस बार हाथ नहीं उठाओगे, इस बार ध्यान कहाँ रहेगा सांसों पे, और मन पहली बार मन को काम पे लगाओ। अब आ गया मन, मन क्या करेगा, जो गिनती है हम लोग कर रहे थे वो तो ऐसे ही कर रहे थे, तो मन को लगा दिया, लेकिन इस बार हम लोग बिना हाथ हिलाए सांसें अंदर जाएगी और बाहर आएगी तब हम गिनेंगे, लेकिन सीधा नहीं उल्टा, तो हम ऐसे रहेंगे सांस अंदर गई नहीं ऐसे गिनो, समझ में है, गिनोगे सांस जाने के अंदर जाने के और बाहर आने के बाद लोग क्या करते हैं नहीं ये नहीं, हमको सांसों को देखना है, जैसे सांसें जाएगी और बाहर आएगी उसको देखना। अच्छा पहली बार आपने क्या किया, सब कुछ रोक के अपने मन के थ्रू एक ऐसा काम करवाया 9876543210 उल्टा, गाड़ी आपने रिवर्स में लगाई, दिन भर जिंदगी भर आपने गाड़ी आगे ही दौड़ाई, ये मन को सिर्फ आगे की तरफ दौड़ाया, इसको पहली बार आपने रिवर्स में दिया 9-0। जो व्यक्ति ये 9-0 कर सकता है उसका माइंड गुड, मतलब अच्छा अभी भी इंसान के क्या होते हैं वो योनि में हो आप, ओके अगर आप वो नहीं कर पा रहे हो तो इसका ट्रीटमेंट क्या है, एक मेंटल डिसऑर्डर, तो इसका ट्रीटमेंट भी वही है 9-0 करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो, जिस दिन आपको 9-0 आ गया फिर आप नेक्स्ट लेवल पे जाओ, वो क्या है 29-0। तो उसके लिए हम लोग सिखाते हैं कि 3 बार 9-0 करो, जिस दिन आपको आ गया तो 29-0 करो एक बार, वो अगर आपको आ गया और अगर आपका बिना एक काउंट भी मिस किए ओके आप ये कर पाए तो फैंटास्टिक, क्योंकि आपका माइंड जो है नॉर्मल है, ओके अभी नॉर्मल हुआ है सिर्फ, उसके बाद आपको 99-0 करना है, जिसका माइंड 99-0 कर पाया बिना भटके बिना नंबर मिस किए ओके वो आदमी अब पहली बार हम बोलते हैं एकाग्र होने लगा है, फोकस करने लगा है, अब उसका माइंड जो है 100 काउंट तक भटकता नहीं, अब ऐसा व्यक्ति जो है तैयार हो चुका है, वो व्यक्ति क्या करेगा जब काम पे लगेगा ना, क्योंकि आप जब बैठते करते हो 99-0 काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, काम कर रहे हो ना, लेकिन इस बार क्या कर रहे हो मन काम कर रहा है, और एक्चुअली आदमी का मन ही काम करता है ओके, शरीर तो उसकी बात सुनता है, तो पहली बार आपने शरीर को बिठा के रखा, इसको बोला हिलना नहीं, मन को बोला तू ये काम कर, सिर्फ सांसें गिन 99-0 गिन, और 99-0 गिरते गिरते वो जब पूरा कर लेता है तो आपके पास एक क्षमता आ गई, क्या क्षमता आ गई, आपका मन नहीं भटकना नहीं थी और आपका मन एक चीज में लगा नहीं, ये इतनी पावरफुल चीज है, क्योंकि जब आप कहीं कुछ काम करने जाओगे और आप काम कर रहे हो और मन भटकेगा तो वापस ले जाने की ताकत रखते हो ओके, और जब भटकता भी है तो आपको पता भी चलता है कि भटक रहा है, और जिसका मन अगर एक चीज पर लग गया फिर असंभव है कि उसके पास से जो वो कार्य करना चाहता है वो नहीं कर पाए, वो हर चीज कर पाए ओके। तो ये बहुत सिंपल प्रैक्टिस है, इसको हम बोलते हैं रेड बेल्ट प्रैक्टिस, ठीक है समझ में आया, कर सकते हैं ट्राई।